मैं अटल बिहारी वाजपेयी बड़े ही कष्टों से और मुसीबत में ये चिट्ठी लिख रहा हूं। ये चिट्ठी मैं उन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं जिनके बेटे मेरे साथ विद्यालय में पढ़ते हैं। इस चिट्ठी से मैं विनती करना चाहता हूं और बताना चाहता हूं कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मुझे ये पता नहीं कि आप मुझे जानते हैं या नहीं। आपकी नजरों में मैं अच्छा हूं या आपकी नजरों में मैं बुरा हूं। मैं जैसा भी हूं, जो भी हूं, आपके बेटे जैसा हूं। हमारे देश में यह विद्यालय खुला है और हमारे देश की एक विद्यार्थी को, यानी कि मुझे, इस विद्यालय में परीक्षा देने से रोका जा रहा है। मैं ये परीक्षा ना दे पाऊं इसलिए मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा। मैं इस चिट्ठी के द्वारा आप सबसे मदद मांगना चाहता हूं। हमारा ये शहर ग्वालियर एक परिवार जैसा है और मैं इस परिवार का एक सदस्य हूं। अगर परिवार का कोई सदस्य अपाहिज हो जाता है तो बाकी परिवार वाले उसे सहारा देते। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए उसकी मदद करते। आज ये विद्यालय का प्रशासन मुझे अपाहिज करने पर तुला हुआ है और मैं चाहता हूं कि आप आगे आए और मेरी मदद करें। आज जो मेरे साथ हो रहा है वो शायद कल आपके बेटे के साथ भी हो सकता है। आज मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं, शायद कल और भी लोग आगे ना बढ़ पाए। और इसके परिणामवश ऐसा हो सकता है कि हमारा देश ही आगे ना बढ़ पाए।